हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सोनू स्पीकिंग फ्रॉम सक्सेस स्पीकिंग क्लासेस। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरे पास में स्टूडेंट है और हम करते हैं प्रैक्टिस कि हम किस तरीके से करते हैं एक बिगिनर स्टूडेंट को तैयार। और जो कुछ सेंटेंस में यहाँ बोलूँगा वो आपको टाइटल पर भी आपको देखने को मिलेंगे मेरी इस वीडियो में, और आप भी वहाँ रहते हुए इसको सीख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे इस प्रकार की आने वाली और वीडियोज़ को वॉच करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाँ हेलो। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके, एंड माई क्वेश्चन विल बी इन हिंदी। ओके, एंड यू विल ट्रांसलेट दैट सेंटेंस इन टू इंग्लिश। जैसे कि मैंने तुम्हें पढ़ाया कैन का प्रयोग, तो हम पहले कैन की बात करेंगे फिर हम कुड की बात करेंगे। मैंने कहा सेंटेंस में कि मैं पैदल जा सकता हूँ। आई कैन गो रन बाई फुट बाई फुट। आई कैन, ऐसे इंग्लिश से बोलेंगे आई कैन गो बाई फुट। कैसे बोलेंगे? आई कैन गो बाई फुट बाई फुट। मैंने कहा सेंटेंस में कि मैं क्लास को अटेंड कर सकता हूँ। आई कैन अटेंड द क्लास। वेरी गुड। मैंने कहा कि मैं बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता हूँ। आई कैन नॉट लिव वाटर विदाउट वाटर। हाँ यस, आई कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। कैसे बोलेंगे? आई कैन नॉट विदाउट लिव विदाउट वाटर। वेरी गुड। मैंने कहा कि मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता हूँ। आई कैन नॉट सिट द चेयर ऑन दिस चेयर। आई कैन नॉट सिट ऑन दिस चेयर। वेरी गुड। मैंने कहा सेंटेंस में कि मैं इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। आई कैन दिस अप्लाई फॉर दिस जॉब फिर बोलो। आई कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। ओके वेरी गुड। मैंने कहा मैं एक एप्लीकेशन लिख सकता हूँ। आई कैन राइट एन एप्लीकेशन। मतलब कि ये कि कैन का जो प्रयोग होता है वो होता है प्रेजेंट टाइम में तुम्हारे पास किसी काम को करने की कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ क्षमता है, तुम ऐसा काम कर सकते हो, तो उस काम के लिए हम लगाते हैं कैन। जैसे कि मैं प्रेजेंट टाइम में किसी काम को कर सकता हूँ, ऐसा करने की शक्ति है, तो मैं उसको बोलूँगा कैन। जैसे मैंने कहा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा कि मैं इंग्लिश का अखबार पढ़ सकता हूँ। कैसे बोलेंगे? आई कैन रीड द न्यूज़पेपर। इंग्लिश न्यूज़पेपर। वेरी गुड। मैंने कहा कि मैं अकेला जा सकता हूँ। आई कैन गो एलोन। फिर बोलें। आई कैन गो एलोन। वेरी गुड। मैंने कहा सेंटेंस में कि मैं एक एस्से लिख सकता हूँ। आई कैन राइट एन एस्से। वेरी गुड। मैंने कहा कि मैं 2 महीने बाद इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन 2 मंथ I can speak to English at after 2 month. I can speak English after 2 month. इसका मतलब ये होता है कि can कहीं ना कहीं हमें future को भी indicate करता है कि मैं 2 महीने बाद English बोल सकता हूँ। Next sentence है, मैंने कहा कि मैं यहाँ रुक सकता हूँ। रुकने को हम कहते हैं English में stay। I can stay here. वेरी गुड। आई कैन स्टे हीयर का मतलब है कि मैं यहाँ रुक सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने कहा कि मैं इस कुर्सी को उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट दिस चेयर। वेरी गुड। फिर बोलें जरा। आई कैन लिफ्ट दिस चेयर। ओके वेरी गुड। मेरा नेक्स्ट सेंटेंस होगा सान कि मैं आपसे मिल सकता हूँ। मिलने की मीट होती है। आई कैन मीट यू। वेरी गुड। आई कैन मीट यू। वेरी गुड। मैंने कहा मैं तुमसे नहीं मिल सकता हूँ। आई कैन नॉट मीट यू। वेरी गुड। आई कैन नॉट मीट यू। अगर हम करते हैं क्वेश्चन ऐसे, मैंने कहा क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ, तो फिर ये अब कैन यूज़ कर रहे हैं हम परमिशन के तौर पे, कि कैन का कभी कभी यूज़ कैन का प्रयोग परमिशन लेने और देने के लिए भी होता है। जैसे मैंने कहा सेंटेंस में क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ। Can I use your mobile? फिर बोलें। Can I use your mobile? ओके। मैंने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। Can I come in? वेरी गुड। Can I come in? वेरी गुड। मैंने कहा सेंटेंस में कि क्या मैं अब जा सकता हूँ। Can I go now? वेरी गुड। Can I go now? कैसे बोलेंगे? Can I go now? ओके वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस होगा कि क्या मैं कल आ सकता हूँ। कैन आई कम टुमारो
कैन आई कम टुमारो, कैसे बोलेंगे? कैन आई कम टुमारो, वेरी गुड। मान लीजिए आप कहीं ग्रुप में बैठे हुए तीन चार लोग हैं, आप डाइनिंग टेबल पर आप अपना डिनर कर रहे हैं, तो मैं आपके साइड से पास बाय होते हुए जाता हूँ, गुजरते हुए जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? कैन वी, कैन आई ज्वाइन यू, ये कैन आई ज्वाइन यू, ये कैन आई अकम्पनी यू, उसका मतलब भी शामिल हो जाना ही होता है, तो बोलेंगे कैन आई अकम्पनी यू, बोलें कैन आई अकम्पनी यू, वेरी गुड। एंड अब चलते हैं हम पास्ट की तरफ। मैंने कहा कि मैं आ सकता था, कि मैं आ सकता था, आई कुड कम, आई कुड कम, कैसे बोलेंगे? आई कुड कम। मैंने कहा कि मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड, आई कुड स्पीक इंग्लिश, वेरी गुड, बोलो आई कुड स्पीक इंग्लिश, वेरी गुड। मैंने कहा मैं तुमसे मिल सकता था, आई कुड मीट यू, वेरी गुड। मैंने कहा तुम मुझसे मिल सकते थे, यू कुड मीट यू, मीट मी, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता था, आई कुड टीच यू, टीच यू, वेरी गुड, आई कुड टीच यू, शाबाश। मैंने कहा सेंटेंस में कि मैं इंग्लिश की, मैंने कहा मैं इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता था, आई कुड इंग्लिश टू ट्रांसलेट, आई कुड ट्रांसलेट, आई कुड ट्रांसलेट टू इंग्लिश, हाँ, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश या फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। सो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी, आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी जो हमने अभी डिस्कस किया, छोटा सा कैन और कुड गोली प्रैक्टिस की। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करेंगे, जो भी आपके पास में स्कूल के कोचिंग सेंटर के ये जो ग्रुप हैं उनमें प्लीज़ आप शेयर करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।